ग्वालियर में एनएसयूआई ने कई मांगों को लेकर बाइक रैली निकाली। छात्रों की मांग है कि कोविड काल में छात्रों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे फीस नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार छात्रों की फीस माफ करे और उनको छात्रवृत्ति दे। प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम करने की मांग की। इसके साथ ही छात्र संगठन ने कहा कि दिल्ली में जो किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, सरकार उनकी मांग जल्द पूरी करे और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून में सुधार किया जाए। एनएसयूआई किसानों के समर्थन में है। साथ ही केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सब उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पर 6 महीनों से जो कोरोना COVID-19 चल रहा है उसके लोग के एनएसओ छात्रवृत्ति की मांग कर रही है। छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए व 6 महीने की फीस माफ की जाए। और जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, जो बिल आया है उसके विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उस पर सरकार केंद्र सरकार सुनवाई करे। और जय जवान जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री जी नारा दे के गए थे, उसमें केंद्र सरकार जवान और किसान को लड़ाने का काम कर रही है, जो बहुत गलत है। जवान और किसान दोनों पूरक संबंध हैं। और अपने जो तीसरी मांग है वो बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेके है। जो केंद्र सरकार COVID-19 में जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है, उसको देखते हुए लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, उसको कम किया जाए।